How you guys like the intro? इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, अराउंड 6 से 7 आवर्स लग गए. एंड आई वॉन्ट टू थैंक टू माई एल्डर सिस्टर हु हेल्प मी लॉट. एंड यू कैन सी हर इन सम ऑफ द शॉर्ट्स, बिकॉज सम ऑफ द थिंग्स यू नीड टू डू इन फ्रंट ऑफ द कैमरा यू कैन नॉट डू बिहाइंड. एंड यू कॉन्ट डू बोथ द थिंग्स एट द सेम टाइम, द एक्शन एंड कैमरा शूटिंग. एंड सम ऑफ द क्रेडिट्स गोज टू माई सिस्टर, सम ऑफ द क्रेडिट्स आखिर है तो मेरी बहनी. ऑल राइट, सो इस वीडियो के बारे में और बात नहीं करने वाले कि कैसे शूट किया ब्ला 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 जो भी है, सीधा अनबॉक्सिंग इस पर आते हैं. बाकी इस वीडियो के बारे में अगर आपको बात करनी है तो हम कभी और बात कर लेंगे आगे जाके, लेकिन अभी हम बात करते हैं week 8:30 की, जिसके बारे में ये वीडियो है. अनबॉक्सिंग की बात करें तो इसमें आपको ग्राफिक पैड मिल जाता है, आपको स्टाइलस मिल जाता है, बैटरी फ्री, जिसमें आपको 2 बटन्स मिलते हैं जो आप मैनुअल कन्फिगर कर सकते हो. बाई डिफॉल्ट ये राइट क्लिक और पेन और इरेजर के एक्चुअली स्विच कर सकते हो आप इस दोनों कीज़ को. और बात करें हम, इसमें आपको USB टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, जिसमें आप ऑब्वियसली अपना टाइप सी की केबल लगा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे गैजेट्स और फोन सब आ रहे हैं टाइप सी केबल के साथ, तो आप वो वाली केबल्स भी यूज़ कर सकते हो और वाइस वर्सा. तो आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं कि माइक्रो USB केबल उसके लिए सेपरेट रखो. उसमें आपको साथ में एक्स्ट्रा टिप्स मिल जाती है और आपको टिप रिमूवल मिल जाता है, और साथ में इसमें आपको यूज़र गाइड भी मिल जाती है. तो सब कुछ बैटरी फ्री है, आपको उस ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे. तो कुछ टाइम पहले मैंने VK15 Pro खरीदा था और उसकी मैंने अनबॉक्सिंग और उसका ओवरव्यू जो भी है वीडियो मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके देख सकते हो वीडियो. तो जो भी है सारा इंस्टॉलेशन वगैरह वगैरह सब कुछ सेम है. हम बात करते हैं सिर्फ VK30 की, क्योंकि इस वीडियो में कोई मैं कंपेरिजन रिव्यू नहीं देने वाला अभी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे सेपरेट वीडियो में, जो कि रिव्यू वीडियो आएगी बहुत जल्दी. तो बात करते हैं VK30 के फीचर्स के बारे में, जिसमें आपको कोई भी फिजिकल की देखने को नहीं मिलता, सारे आपको टच कैपेसिटिव कीज और टच गेस्चर पैड मिलता है. बिकॉज बहुत सारे लोगों को टच कैपेसिटिव कीज काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, फिजिकल की को वो प्रेफर नहीं करते, तो उसमें आपको वो फीचर मिल जाते हैं सारे. जहाँ भी आप टच करोगे वहाँ पे आपको फीडबैक मिलती है, ब्लू लाइट कलर आपकी ग्लो होती है, वहाँ पे ऑब्वियसली पता चल जाएगा कहाँ पे आपने प्रेस की. तो उसमें 4 आपको कीज़ मिलती हैं, वो भी कैपेसिटिव टच वाली, जिसको आप मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो. और गेस्चर पैड्स को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि लेफ्ट एंड राइट जो ड्रैग करना है, आपका ब्रश का साइज चेंज करना है, जूम इन जूम आउट करना है, जो भी करना है सारी चीज़ आप मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो. वो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ है, एकदम ग्लॉसी लुक में. और बात करें बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा हैंडी है. 10x6 का इंच का आपको साइज़ देखने को मिलता है, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो कितना आपको पार्ट चाहिए, ओब्वियसली पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ आपको कौन सी फंक्शनैलिटी रखनी है. ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से हमें काफ़ी अच्छी वैल्यू मिल रही है 5400 के हिसाब से. तो VK15 Pro कुछ टाइम पहले मैंने खरीदा था अपने लिए, और VK30 जो है मेरे कज़न ने खरीदा, तो उसने मुझे दिया अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू के लिए. तो रिव्यू आना बाकी है कुछ टाइम बाद. और कुछ चीज़ें मैंशन करना चाहूँगा जो उसमें नहीं प्रोवाइड हुई, जैसे कि आपको पेन का जो स्टैंड है वो नहीं मिला. एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा जो कि है ग्लव, आपको कोई ग्लव नहीं मिलता बिकॉज स्वेटिंग होती है काम करते वक्त, तो जो भी आपकी स्वेटिंग है आप उसके ग्राफिक पैड पे ना लगे, तो इसलिए ग्लव प्रोवाइड किया जाता है. सो अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन अगर देखा जाए तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इवन स्टडी फ्रॉम होम चल रहा है, टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं ग्राफिक पैड की हेल्प से, इवन आप ड्राइंग करके या जो भी आपको राइट करना है, माउस से काफ़ी डिफिकल्ट होता है राइट करना, लेकिन अगर हम स्टाइलस की बात करें तो आराम से आप पेन से ड्रॉ कर सकते हो ऑन पेपर ऑब्वियसली. तो ग्राफिक पैड पर भी आप इवनली आप डिजिटली आप ड्रॉ कर सकते हो कंप्यूटर में, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि एज यूजुअल स्क्रीन पे राइट करने के काम आते हैं, तो वही आप सेम एज यूजुअल इस ग्राफिक पैड में यूज़ कर सकते हो. अगर आपका फ्री टाइम है तो आप स्पेयर टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो अपनी स्किल्स बिल्ड करने में, इवन आप इसको हेल्प कर सकते हो एज एन ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म. और भी वीक प्रोडक्ट्स है, अगर आपको डिस्प्ले वाला चाहिए, आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट चाहिए तो वो भी आप खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. सो इस वीडियो में इतना ही अबाउट दिस अनबॉक्सिंग एंड ओवरव्यू ऑफ द VK30. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी और जो स्टार्टिंग का इंटरव्यू वो कैसा लगा, और मेंशन करना कि आपको फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस देखनी है इस टाइप के बी रोल्स. अगर इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपके पास पहुंच जाए, और वीडियो को शेयर करना. मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में.